टॉप 10 न्यूज में करते हैं सुबह की शुरुआत इन बीसीएन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। लोकसभा में हुआ 4 सांसदों का निलंबन वापस, महंगाई पर चर्चा शुरू। जमीन घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, साथ में पार्टी के कई नेता भी हुए शामिल। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी ऑप्शन सॉरी को एससी से राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने को कहा। बीएसपी नेता अनुपम दुबे को 27 साल पुराने हत्या के मामले में एम्स राहत नहीं, जेल पर रिहाई का आदेश बरकरार रखा। मंकी पॉक्स वायरस के संदिग्ध मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, अब दबेंगे नहीं न ही झुकेंगे, संजय राउत की गिरफ्तारी पर बोली शिवसेना सांसद। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का किया ऐलान। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 28% बढ़कर हुआ 1,49,00,000 रुपए। दिल्ली में सरकार ने शराब दुकानों के लाइसेंस को 30 सितंबर तक किया एक्सटेंशन। और भारत को मिला 3रा गोल्ड, अंशिता शिवली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में जीता स्वर्ण पदक।